Hello and welcome to Primitive Classes. Here is the platform where you feel the physics, just fall in love with physics. तो हमने dual nature of radiation and matter का चार lectures कर लिए हैं. अब ये lecture number होगा 5, यानी part 5. पिछले lecture में lecture four में हमने चर्चा की थी photo current and stopping potential के बारे में. अब हम लोग चर्चा करेंगे डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो हेडलाइन दीजिए, डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में POT. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, अब डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ पॉइंट पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर डेरिवेशन के लिए जो करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वो क्या क्या जरूरी है. चलिए, सबसे पहले लिखिए, जानिए ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है. ठीक है, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन, जब लाइट कैथोड पर पड़ता है तो इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है. जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर मूव करता है, तब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटता है. क्यों घटता है? क्योंकि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तब हम एनोड पर क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज डालते हैं. इनके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया जाता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है. यही पॉइंट को हमको बेस बना करके डेरिवेशन करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का. तो लिखिए, while going from cathode to anode, it works against electric field. Loses its kinetic energy. क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर मूव करता है तब इलेक्ट्रॉन वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में. क्या करता है, अगेंस्ट मतलब विरोध में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में क्या करता है, वर्क करता है. और वर्क करने के दौरान अपनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस करता है. मान लेते ये इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहा है, ऊपर से उधर से कोई फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगा, अवश्य घटेगा, क्योंकि सामने वाला फोर्स लगा. वही हाल यहां पर हो रहा है कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो फिर लिखिए, हम लोग लिखेंगे क्या, अब ये तो हुआ बेस, अब इन पॉइंट को मुद्दा बना करके, टॉपिक बना करके हम इनके डेरिवेशन के तथ्य को लिखते हैं. लिखिए, इफ इफ
फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन which has maximum kinetic energy, which have maximum K dot E kinetic energy. loses its kinetic energy in doing work against electric field. क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या करता है वर्क करता है एंड फोटो सी डबल आर देकर के आप ई एन टी लिख लीजिए ठीक है फोटो करंट बिकम फोटो करंट क्या होगा जीरो होगा एंड पोटेंशियल एट एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल एट एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड At a moment stopping potential क्या होगा stopping potential अब देखो थर्ड पॉइंट को ध्यान से सुनो इसको if fastest electron जिसके पास मतलब कि इफ अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन में कहने का मतलब है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फास्ट में मूव करेगा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा लॉस करेगा क्यों लॉस करेगा क्योंकि एनर्जी लॉसेस इन डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करने में अपनी एनर्जी को क्या करेगा लॉस करेगा और फोटो करंट क्या होगा जीरो हो जाएगा फोटो करंट बिकम जीरो क्योंकि फोटो करंट तब होता है जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला एनोड पर पहुंचा यहां पर से तो इलेक्ट्रॉन निकला पर एनोड तक तो पहुंच नहीं रहा है यदि एनोड तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब फोटो करंट जीरो वही हुआ फोटो करंट क्या हो गया जीरो हो गया एंड पोटेंशियल एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एनोड पर जो पोटेंशियल होगा कैथोड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा किसी मोमेंट में क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा अब एनोड के पास जो कैपेसिटी होगा वो स्टॉप इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने की कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देगा सो ये क्या कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनोड के पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हैं
अब इस पॉइंट को क्या बोले थे, इस पॉइंट को बेस बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे इस पॉइंट को। चलिए अब फिर लिखिए, देखिए मत्स्य क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वर्क डन में, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वर्क डन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन में चले जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वर्क डन बराबर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं वर्क डन बराबर होता है क्यू भी। ये क्यू भी हुआ कैसे, ये सवाल आता होगा आपके मन में कि कैसे हुआ, ये हुआ हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे तब में हमने कहा था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। वहां से हुआ हम लोग भी बराबर लिखते थे W बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज इधर चले गया तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी, वहां से आया वर्क डन बराबर क्यू भी। रुको, ये क्यू भी यहां पर यूज नहीं होगा, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू चार्ज को लाते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यू चार्ज को लाते थे, लेकिन यहां पर यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ना जा रहा है, कैथोड से एनोड पर जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो जा कैथोड से एनोड की ओर जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है ना, है क्यू चार्ज तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू के जगह हमारा क्या हो जाएगा ई। पोटेंशियल के जगह भी जो है हम लोग पोटेंशियल इस पर भी मान लेते हैं, इस पर वी नॉट, भी से भी नॉट जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, भी से भी नॉट। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल में निकालते थे, गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते थे, पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, यहां पर पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट क्या है, वी नॉट है, वहां पर क्या होता था हमारा भी होता था, यहां पर भी नॉट है, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा ई भी नॉट, क्या हो जाएगा ई भी नॉट। अब ई भी नॉट से भी नॉट इज इक्वल टू ई को इस पार लेकर चले आए तो हम लोग लिख सकते हैं के मैक्स इज इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी, ठीक है के मैक्स भाई, थोड़ा इधर साफ कर लेते हैं हम, अब चलते हैं आगे। अब लिखते हैं क्या, ये हुआ हमारा इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए। अब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग क्या जानते हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम इज इक्वल टू आइंस्टीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाए थे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये E माइनस फाइव होगा। अब इस वैल्यू को कहां पर रखते हैं, इसको B मान लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ B पुट इन इक्वेशन A, B का वैल्यू को पुट B इन A, B को किस में रखो A में रखो, चलो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के मैक्सिमम, के मैक्सिमम के जगह क्या लिख सकते हैं ई माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ई,
यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जगह क्या रखे, ई माइनस फाइव रखे डिवाइडेड बाय ई। अब हम लोग एनर्जी बराबर क्या जानते हैं, ई बराबर एच सी बाय लेमडा जानते हैं। अब एनर्जी का वैल्यू भी हम लोग यहां पर रख देते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। देखो चलो इसको पहले इसको भूल जाओ थोड़ा सा, हम पहले और एक्सप्लेन और थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस ई सॉरी ई बाय ई माइनस फाइव बाय ई, इसको अलग अलग कर दिए, फिर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए अलग कर दिए। ठीक है, अब E का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एस सी बाय लेमडा पुट करते हैं, V नॉट इज इक्वल टू E बाय E सॉरी अब वैल्यू ना रखना है हमको, एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव बाय E, एच सी बाय लेमडा इंटू ई माइनस फाइव बाय ई। ठीक है, ये हमारा हुआ पोटेंशियल डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्पेलिंग गलत है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी नॉट एस सी बाय लैम्डा ई इन माइनस फाइव बाय ई। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ लिख लेते हैं, ग्राफ क्या होगा ग्राफ देखते हैं। चलिए इसका ग्राफ हो जाएगा, ये इक्वेशन देखिए, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। अब ये एम एक्स माइनस सी सॉरी एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है एम एक्स प्लस सी, यहां से हम लोग वी नॉट को वाई मान लेते हैं, वी नॉट को वाई मान लेते हैं, एच सी बाय ई को, एच सी बाय ई को एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एम, यहां पर लिखते हैं y बराबर एच सी बाय ई को। चलिए एच सी बाय ई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच सी बाय ई को m, और 1 बाय लेमडा को x माइनस 5 बाय ई को c, 5 बाय ई को c माने, एच सी बाय लेमडा को हम लोग क्या माने m माने, सॉरी एच सी बाय ई को हमको ये मानना है एम मानना है, कंफ्यूज हो जाता है ये, एच सी बाय लेमडा ई, ठीक है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एच सी बाय ई को हम लोग क्या मानते हैं एम, नहीं आया ना समझ में। चलिए यहां वाई V नॉट इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं एच सी बाय ई और वन बाय लेमडा, इसको अलग कर लिए प्लस माइनस फाइव बाय ई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं एच सी बाय ई को हम लोग क्या मान लेते हैं एम, वन बाय लेमडा को एक्स, फाइव बाय ई को सी, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर, देखिए ग्राफ कैसा होगा, इधर क्या होगा स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल,
चलिए लास्ट है ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा हमारा 1 बाय लेमडा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा लेमडा नॉट, यहां पर आगे चल करके 1 बाय लेमडा हो जाएगा। यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1 बाय, ये हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 बाय लेमडा नॉट। ठीक है, अब स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी बार ई। कौन दिक्कत, ये हो गया ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कंप्लीट, डेरिवेशन हो गया ये वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा ई माइनस 5 बाई ई। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।